वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको बहुत प्यारा सा ये बड़ी लड़कियों के लिए पोंचो बनाना बताऊंगी। ये देखिए, थोड़ा मैं ऊपर से दिखा देती हूँ पहले आपको। ये देखिए, ये ऐसा है और ये नीचे से ऐसा है। देखिए, पूरा नहीं आ रहा जी कैमरा में, ऐसे दिखाती हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से बनाया है मैंने, इसी को बनाना बताऊँगी मैं। ये देखिए, ये बहुत सुंदर है। मैं आपको बड़ी लड़की का बना रही हूँ, तो बड़ी लड़की को पहना कर भी आपको मैं इसका लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है। इसी को बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 89 चेन लेनी है, ये चीज़ बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए क्या करना है, हम ऊन लेंगे, ये मैंने वर्तमान की ये थोड़ी मोटे वाली ऊन ली है, और क्रोशिया भी मैंने ये है 4.50 mm, तो मैं इसी से बना रही हूँ। सबसे पहले हम 89 चेन लेंगे। आपने अगर ये बड़ी लड़की का बना रहे हो तो आपने 89 चेन लेनी है, तो मोटे वाली ऊन अगर आप ले लोगे और जो मोटे वाला एक क्रोशिया लोगे तो आपका ये परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हमने चेन लेनी है 89, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैं 89 चेन लेकर फिर दिखाती हूँ आपको कि हमने 89 चेन ले ली है। ये देखिए, अब हमने जो फर्स्ट चेन है हमारी, इसके अंदर क्रोशिया डाल के इसको चेन को सीधी करके, जो फर्स्ट है हमारी इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर इसे स्लिप नोट से ज्वाइन कर लेना है, ये ऐसे, ठीक है। अब हमने तीन चेन लेनी है, 1, 2, 3, और अब हमने हर एक चेन में जाके डबल क्रोशिया करना है, ठीक। हर एक चेन में हमने डबल क्रोशिया करते हुए ये 89 जो हमारी स्टिच हमें दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए ही फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसके फर्स्ट राउंड को बनाने के लिए मैंने क्रोशिया का वो जो है चेंज किया है, क्योंकि वो क्रोशिया थोड़ा नीचे आगे से थोड़ा सा ख़राब सा है, जा नहीं रहा था इसके अंदर, तो मैं इससे थोड़ा लूज रख के इससे बनाऊंगी। हमने हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाना है, तो मैं इस रो को, जो फर्स्ट रो है, इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। मैं क्रोशिया को इसलिए चेंज किया है क्योंकि ये थोड़ा सा, वो थोड़ा सा क्रोशिया आगे से मोटा है, वो जिसके इसके अंदर जा नहीं रहा था। तो ठीक है, आपका क्रोशिया हुक अपने जो मोटा ही रखना है, अगर आपकी मोटी वूल है, ठीक है। अगर आप बारीक है तो फिर आप बारीक वूल से बनाइए। देखिए, फर्स्ट राउंड हमने डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब ये लास्ट में हमने ये डबल क्रोशिया किया है, और ये जो फर्स्ट हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर ये स्लिप नोट से ज्वाइन कर लेना है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, ये हमारा गले का ये बनके तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बन गया जी हमारा एक, ठीक है। अब हमने अगले उसमें जाकर फ्रंट पोस्ट करना है, यहाँ से हमने इसको उठाना है, ऐसे पूरे इस वाले डबल क्रोशिया को उठाना है आगे से, ऐसे हमने धागा खींच के लेके आना है और डबल क्रोशिया बना देना है। अब हमने एक में आगे से उठाना है, एक में हमने पीछे से उठाना है, ये ऐसे, एक बार हम आगे से उठाएंगे, ये हमारा हो गया। अब हम ये आगे से उठाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे, एक बार हम ये अगले वाले जो है ये वाला डबल क्रोशिया इसको हम पीछे से उठाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे, ऐसे। ये देखिए, एक बार फ्रंट पोस्ट, एक बार बैक पोस्ट, ठीक है। ऐसे बनाते हुए हाँ आपने इस सेकंड राउंड को कंप्लीट करना है। ये बनाना आपने डबल क्रोशिया ही है, लेकिन एक बार हमने ये आगे से ऐसे उठाएंगे, ये ऐसे, और ये डबल क्रोशिया बन गया। फिर से हम जी धागा ऐसे लपेट लेंगे और ये नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम ऐसे निकाल के पीछे को ले जाएंगे,
जी, ये जो अगला है हमारा डबल क्रोशिया, इसके हम धागा हमने लपेट लेना है। हम क्रोशिया ऐसे डालेंगे अंदर और ऐसे निकाल लेंगे पीछे, पीछे को निकाल के फिर हमने पीछे से हमने इसको डबल क्रोशिया बना देना है। तो ये हमारा सेकंड राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा और हमने सेकंड राउंड में कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट हमने 89 चेन ली है, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद हमने हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद जो हमारी ये सेकंड रो है, सेकंड रो में हमारा ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट ये बनेगा। तो मैं इसको बना लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये बैक से बुन लेंगे, ऐसे ही बुनते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, नेक्स्ट रो में दिखाऊंगी आपको क्या करना है। ये हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। तो अब हमने यहाँ पे 3 चेन बना ली है। अब क्या करना है, ये हमारा थर्ड राउंड शुरू हो रहा है, हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और 2 चेन लेनी है और यहीं पे हमने फिर से क्रोशिया डाल के एक फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और नीचे की 1 2 3 स्किप करके ये चौथी जो है चेन, इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देना है। ये देखिए, अब फिर से यहीं पे सेम स्पेस पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन लेनी है, फिर से यहीं पे क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया बनाना है और एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, 3 चेन लेनी है और नीचे 3 स्किप करनी है, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद नीचे की 1 2 3 स्किप करके ये चौथे वाली में हमने क्रोशिया डालना है यहाँ पर, और एक डबल क्रोशिया बना देना है। अब फिर से एक डबल क्रोशिया सेम स्पेस पे बना देना है और 2 चेन, फिर से यहाँ पे हमने क्रोशिया डालना है और एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है, ऊपर 3 चेन, नीचे 3 स्किप करनी है, ऊपर हमने 3 चेन लेनी है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस राउंड को ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे, तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया, 3 चेन ले ली है हमने। अब हमने क्रोशिया हमने ऐसे धागे से लपेट के, ये जो है 2 डबल क्रोशिया दिखाई दे रहे हैं हमें, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसमें हमने इसमें डाल के ऐसे डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर हमारा हमने ज्वाइन भी कर लिया है और साथ में ही हमारा यहाँ पर ये डबल क्रोशिया हमने बीच में बना लीजिए, जो बीच में स्पेस है इसके अंदर। अब 2 चेन लेंगे और इसके अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमने इन 2 जो डबल क्रोशिया है, इसमें से जो पहले वाला है, इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमने फिर से 1 2 3 चेन लेनी है, 3 चेन लेने के बाद क्रोशिया हमने धागा ऐसे लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर, और इसमें जो सेकेंड वाला जो ये है, इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट करना है। धागा फिर से लपेटेंगे और जो सेंटर में जो हमें स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें हमने डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया करने के बाद हमने 2 चेन लेनी है और सेम स्पेस पे हमने क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने ये 2 डबल क्रोशिया जो हैं, इसमें हमने पहले वाले पे फ्रंट पोस्ट करना है। ये देखिए, तो ये हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। अब हमने फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद ये हमें जो दिखाई दे रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन लेने के बाद जो ये दूसरे वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट करना है। धागा ऐसे लपेट के इसके अंदर ऐसे क्रोशिया डालकर हमने इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट कर दिया। फिर से धागा ऐसे लपेट लेंगे। अब जो बीच में जगह है, ये 2 चेन है जो, इसमें हमने क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से 2 चेन बनानी है, और नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया है, इसमें से जो पहले वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हमने फ्रंट पोस्ट करना है। ये देखिए, सॉरी, हमने एक और हमने डबल क्रोशिया करना था पहले बीच में, जैसे एक पहले किया है फ्रंट पोस्ट के बाद, 2 चेन लेने के बाद एक बीच में हमने डबल क्रोशिया करना है, उसके बाद हमने इसको उठा के फ्रंट पोस्ट करना है। फिर से 3 चेन, अब देखिए इसको उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट कर देंगे, बीच में जो स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया कर देंगे, 2 चेन लेंगे, सेम स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया कर देंगे,
फिर से एक फ्रंट पोस्ट कर देंगे। ये देखिए, अब हमने इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करना है। तीन चेन लेते जाएंगे, तीन चेन लेने के बाद हमने फ्रंट पोस्ट करना है, और फ्रंट पोस्ट करने के बाद बीच के जो दो चेन वाला स्पेस है यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया करना है, दो चेन लेनी है, फिर हमने डबल क्रोशिया करना है, फिर उसके साथ जो ये दो हमारे डबल क्रोशिया उसमें पहले वाले पे फ्रंट पोस्ट करना है। इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। इससे अगले वाला राउंड हमने टोटल ऐसे ही चार राउंड बनाने हैं, तीन चेन लेके सेम। ठीक है, मैं ये चार राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। जो दूसरा हमारा इस ये वाला एक हो गया है, ये दूसरा है, इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर मैं पाँचवें पर आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए, मैंने ये इसके चार राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, ये चार राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है तीन तीन चेन लेते हुए हम लेके हमने बनाया है इसे। एक बार ये लास्ट का जो रहता है, एक बार मैं ये दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। तीन चेन ले ली है हमने, और ये हमारा लास्ट का है। इसके ऊपर हमने तीन चेन लेने के बाद ये हमें जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये दूसरे वाला जो है, ये इसके अंदर क्रोशिया डाल के हमने ऐसे फ्रंट पोस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये बीच में हमने दो चेन ली थी, तो ये हमारा स्पेस है, इसके अंदर हमने क्रोशिया डालना है, तो एक हमने डबल क्रोशिया बना देना है। फिर हमने दो चेन लेनी है, उसके बाद इसी के अंदर फिर एक डबल क्रोशिया बना देना है, और ये इसको उठा के फ्रंट पोस्ट कर देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारे चार राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही हमने बनाना है, तीन तीन चेन लेके। आपने क्या करना है, ये डिज़ाइन जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये बनाना है। अब जो हमारा ये हमने चार बनाए हैं, एक राउंड, दो, तीन, चार, यहाँ जब हमारा ये डिज़ाइन शुरू हुआ तो ये हमने तीन तीन चेन वाले चार बनाए हैं। अब हमने इसके बाद जो बनाने हैं, तो हम चार चेन लेंगे। यहाँ पे जैसे बीच में तीन तीन चेन ली है, और ये वाला डिज़ाइन हमारा सेम रहेगा, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब हमने जैसे ये चार जो रो हैं, तीन तीन चेन लेकर बनाई है, इसके बाद जो चार आगे बनेंगी वो हमने चार चार चेन लेकर बनानी है। उसके बाद हमने चार और बनानी है, जो वो पांच पांच चेन लेनी है। ये डिज़ाइन सेम रहेगा, हमने चेन बढ़ाते जाना है। उसके बाद हमने छः लेनी है, तो मैं इतना आपको बना लेती हूँ छः। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार यहाँ समझा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ हमने तीन तीन चेन लेके यहाँ तक हमने ये बुना है, जितना कि मैंने अभी आपको दिखाया है बुन के। उसके बाद हमने चेन बढ़ा दी है, एक, दो, तीन, चार चार चेन लेके हमने बुना है। ये डिज़ाइन सेम है। उसके बाद हमने चार ये चेन बनाई है, पांच पांच चेन ली है, फिर उसके बाद छः छः ली हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे और बढ़ाई है सात। अगर जितना बड़ा आपको घेरा बनाना है, उस हिसाब से आपने ये चेन बढ़ाते जाना है। ठीक है, अगर आपको छः तक ही आपको लगे कि ये काफ़ी है, तो फिर आप उसके बाद ना बढ़ाएं, जो आपकी ये लेंथ रहेगी, फिर वो आप छः छः से ही बनाते हुए नीचे तक जितना लंबा आपको बनाना है, तो आप घेरा बढ़ाना बंद कर दें। जब तक आपको घेरा बढ़ाना, चेन बढ़ानी है, तो हमारा घेरा भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारा ये डिज़ाइन जो है, फिर ये बनेगा, ये वाला डिज़ाइन। ठीक है, तो इतना बना लेती हूँ। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, ये मैंने डिज़ाइन सिखा दिया। बीच में हमें चेन का देखना है, चेन हमारी जो होगी उसको आपने बढ़ाते जाना है। तो मैं अब आगे का बुन लेती हूँ थोड़ा। ये अब मैं जो अगला राउंड बुनूंगी, चार चंद चेन लेके ये वाला डिज़ाइन बनाते जाऊँगी बीच में। कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो इजी है इसे बनाना। आपने देख ही लिया है, 89 चेन ली है, डबल क्रोशिया बनाया हर एक चेन में। उसके बाद हमने एक पे फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया पे बैक पोस्ट किया है। उसके बाद आपने देखा ही है, जैसे मैंने आपको सिखाया है ये सारा। ठीक है, तो मैं आपको ये इसका इंक्रीज़ कर लेती हूँ। चार चार चेन का बना के चार लाइन है, उसके बाद पाँच पाँच करनी है मैंने, जितनी मुझे लेंथ चाहिए होगी, तो मैं उसके बाद में फिर आपको बताऊँगी। और मैं ये बता देती हूँ आपको, ये साइज़ जो है मीडियम है, तो आप उस हिसाब से ये बनाना। मैंने इसकी चार लाइनें और बना ली हैं। नीचे आपको बताया ही था, तीन तीन चेन लेके हमने इस डिज़ाइन को बनाना है, तो हमने टोटल चार ये बनाई थी, एक, दो, तीन, चार। अब ऊपर मैंने चार चार चेन, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं चार चार चेन का बनाऊंगी आगे। जैसे हमने घेरा इसका बढ़ाना है, तो हमारी जो चेन है उसमें हमने इंक्रीज़ करते जाना है, एक एक बढ़ाते जाना है। तो चार हमारे, एक, दो, तीन, चार, ये हमारे हो गए हैं। ठीक है, अब हमने चार लाइनें जो बनानी है, ये देखिए, यहाँ पर भी एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। तो अब हमने जो, अब हमारी ये टोटल आठ हो गई हैं, तो अब हमारी जो नेक्स्ट रो होगी, इसमें अब हमने फिर से इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर हमने दो बना लिया, ये फ्रंट पोस्ट किया है, जो बीच में स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया किया है, दो चेन लेंगे, फिर से इसी स्पेस में हमने क्रोशिया डालना है और एक डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये है, इसको हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है, ये ऐसे। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, तीन, चार, ये हमारी पांच चेन हो गई है। पांच चेन लेनी है बस हमने, और हमारा कुछ चेंज नहीं होगा। अब हमने पांच पांच चेन की जो डिज़ाइन बनानी है, तो ये चार हम बनाएंगे, चार हमारी रो बनाएंगे आगे। यहाँ से हमारी फर्स्ट शुरू हो गई है,
तो ये हमने पांच चेन की शुरू किया है। अब दो चेन, फिर से यहीं पे क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया और एक यहाँ पर फ्रंट पोस्ट, फिर से एक दो तीन चार पाँच। आपने जब हमारी चार चार लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी, तब आपने जब नेक्स्ट हमारी रो शुरू होगी तो आपने पांच चेन लेनी है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कहाँ पे हमारा शुरू होता है, चाहे तो आप निशानी रख लें, आपको अगर नहीं ध्यान रहता है, मुझे ध्यान था तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है जी, नहीं तो आप चाहे जहाँ पे कोई आप निशान लगा लें कि हमारी अगर नेक्स्ट रो हमारी यहाँ से शुरू होगी। बाकी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है, पांच पांच चेन लेते जाना है। इसके बाद ये चार हमने रो बनानी है पांच पांच चेन वाली, बीच का डिज़ाइन तो सेम रहेगा। उसके बाद हमने छः छः चेन बनानी है। तो इतना ही बताऊंगी मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन तो सेम ही है, लेकिन बीच में हमने घेरा बढ़ाने के लिए चेन इंक्रीज़ करनी है, बस और कुछ भी नहीं है। अब हम इसकी चार लाइनें कंप्लीट करूँगी। जैसे ये है एक दो तीन चार, ये हमने तीन तीन वाली बनाई हैं, चार हमने चार चार वाली बनाई हैं। अब जो चार आगे बनेंगी वो पाँच पाँच चेन होगी हमारी ये बीच में, ठीक है? तो हम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाऊँगी आपको।